हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद बबल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चिली पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो 5 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और टेस्टी भी बहुत बनता है। चलो फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 2 प्याज और 1 बड़ी शिमला मिर्च को इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आप लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च को भी ले सकते हैं। अब मैंने गैस को ऑन करके पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच कटी हुई अदरक। इसको हम 4-5 सेकंड के लिए चला लेंगे, जिससे इसमें से कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। और अब मैं डाल दूँगी इसमें शिमला मिर्च और प्याज। इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे, गैस के फ्लेम को फुल पे ही रखेंगे। हमने शिमला मिर्च और प्याज को गलाना नहीं है, कच्चा ही रखना है। अब मैं डाल दूंगी इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में ही डाल दूंगी पनीर के पीसेस को, और इसको भी चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। मैंने पनीर बिल्कुल फ्रेश लिया है, इसलिए मैंने पनीर को इसी तरह ही डाला है। अगर आप पनीर को शैलो फ्राई करके डालना चाहते हैं तो आप पनीर के पीसेस के ऊपर 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के पनीर के ऊपर मैदे को अच्छे से कोट कर लें, और फिर 2 चम्मच ऑयल में शैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। छोटी सी भूख के लिए यह टेस्टी चिली पनीर आप जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दूंगी, 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। अब मैं 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दूंगी, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच सिरका, और अब सभी को अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, अगर आप मार्केट जैसा खाना चाहते हैं तो इस तरह 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 2 चम्मच पानी डाल दें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब ये कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और फुल फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, चिली पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अब थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे। जल्दी से बनने वाला चिली पनीर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल कुकिंग विद बबल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।